हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेबी डोज कॉइन के ऊपर। जी बिल्कुल, हम देखने की कोशिश करेंगे भाई बेबी डोज कॉइन हमें किस तरह मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या क्या चीज़ें हमें बेबी डोज कॉइन की दुनिया में देखने को मिले, इवन की अब सारी की सारी जो बातें हैं वो बेबी डोज कॉइन को लेकर करने जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कि मैं अपनी बेबी डोज कॉइन की वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, रिक्वेस्ट क्योंकि आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाएं, सबसे बैल का आइकन को दबाएं, ताकि बेबी डोज हो, किशुइन हो, लवलीन हो, फ्लोकिन हो, या इस तरह का कोई भी कॉइन हो उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हो, कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी कंटेंट वगैरह कुछ भी निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पर विदाउट इन्वेस्टिंग इन टाइम बात करेंगे बेबी डोज कॉइन की, जो तक नेक्स्ट नंबर पर रैंक करा है, बहुत सारे जीरोज़ के बाद की जो प्राइस है हमें 2783 के साथ देखने को मिले, 3.6% जो है वो डाउन जा चुका है, बिटसी के हिसाब से 5.4%, और बाय द पेयर ऑफ बीएनबी तकरीबन जो है 6.1% जो है वो ऑलरेडी हमने देखा कि भाई बेबी डोज कॉइन हमारा एक डाउन ट्रेंड की तरह। वैसे अगर हम देखें तो ये हमने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 56.23% डाउन है, एनुअली बेसिस पे ये तकरीबन हमें 20.7% का गेन दिला चुका है, और तकरीबन पिछले 30 दिनों में 32.6% का, 14 दिनों में 11.8% का ये हमें गेन दिला चुका है, लेकिन पिछले 24-7 दिनों में ये तकरीबन 19.3% जो है वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा चुका है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते चले मार्केट की, तो भाई BTC बाईजान अभी 27,400 पर चल रहा है, 0.2% डाउन गया है, 1827 पे हमने देखा कि इथेरियम मूव कर रहा है, 1.3% डाउन गया है, BNB की बात करें तो 0.5% डाउन गया है, 330 पे चल रहा है, XRP 0.45 पे चल रहा है, कार्डन 0.381 पे चल रहा है। तो इस तरह ओवरऑल जो हमारी मार्केट है मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपके साथ फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स शेयर करूँ तो वो आज हमें 53 स्कोर के साथ न्यूट्रल में देखने को मिल रही है, जो कल भी 53 स्कोर के साथ न्यूट्रल में थी, लास्ट वीक की बात करें तो 58 स्कोर के साथ हमें ग्रीड कंडीशन में देखने को मिली थी, और लास्ट मंथ ये तकरीबन हमें 64 स्कोर के साथ एक ग्रीडी कंडीशन में देखने को मिली थी। तो ये हो गए भाई मार्केट की हालत, बेबी डोज कॉइन की हालत। अब हम बात करें अपडेट्स को लेके, तो भाई क्या क्या अपडेट्स हमें बेबी डोज कॉइन में देखने को मिले। एक तो भाई जो मई का मंथ है वो बेबी डोज कॉइन के लिए काफ़ी स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि मई के मंथ में जो बेबी डोज है वो अपना जो वर्चुअल जो कार्ड है उसको आप लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसको आप गूगल एंड एप्पल पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमें देखने को मिला है बेबी डोज कॉइन की तरफ से। और ये जो कार्ड होगा वो रिफिलेबल होगा, जब भी आप इस कार्ड को रिफिल करेंगे तो इसमें हमें बेबी डोज कॉइन की जो बर्निंग वगैरह है वो भी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ मोस्ट 7 ट्रेडेड हाइलाइट्स प्रोजेक्टेड हैव नॉट बीन लिस्टेड ऑन बाइनेंस। जी बिल्कुल, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट जो तकरीबन अभी बाइनेंस पे लिस्ट भी नहीं हुए और ट्रेड किए जा रहे हैं, तो उस लिस्ट में हमें जो पहले नंबर पे जो है हमें बेबी डोज देखने को मिला है, दूसरी लिस्ट में फ्लो की देखने को मिला है, लेकिन हमने ये भी देखा कि भाई फ्लो की जो है वो बाइनेंस US के साथ जो है वहाँ पर लिस्ट भी हो चुका है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है फ्लोकिनो के लिए। क्योंकि अब आने वाले वक्त में हम ये भी उम्मीदें लगा सकते हैं कि भाई फ्लो की बाइनेंस US पे लिस्ट हो सकता है, तो भाई बेबी डोज कॉइन क्यों नहीं हो सकता, तो वो भी उम्मीदें हैं कि वो जल्द से जल्द लिस्ट होगा। उसके साथ हमने देखा कि भाई 13.7 ट्रिलियन जो है बेबी डोज की जो टोकन है उसकी भी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 23 अप्रैल को हमें बर्निंग देखने को मिली थी, जो तकरीबन 43K की वर्थ की बर्निंग थी, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट में हमें बर्निंग देखने को मिली। उसके बाद बेबी डोज कॉइन के आर्मी की जो NFTs वगैरह हैं वो भी हमें टॉप प्रोजेक्ट्स में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी मोटी बातें थी बेबी डोज कॉइन के रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। मुझे भी देखिए छोटी सी वीडियो थी, लेकिन आपको पसंद आई होगी और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।